और डाक टिकट पर क्या गुंडे माफियाओं के चित्र छप सकते हैं? वैसे तो नहीं, पर व्यवस्था में खामी हो तो ऐसा होना संभव है। कुछ ऐसा ही कानपुर के प्रधान डाकघर में देखने को मिला है, जहां बगैर जांच पड़ताल की अंतर्राष्ट्रीय माफिया छोटा राजन और बागपत जेल गैंगवार में मारे गए मुन्ना बजरंगी के डाक टिकट जारी कर दिए गए। दरअसल प्रधान डाकघर में माय स्टैम्प योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 300 रुपए का शुल्क जमा करवाकर अपनी डाक टिकट छपवा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपना आधार कार्ड लगवाना पड़ता है। साथ ही डाकघर में लगे वेबकैम से फोटो खींचनी पड़ती है, जिसके बाद आपकी फोटो वाला डाक टिकट बनकर आपको मिल जाता है। लेकिन माय स्टैम्प योजना में खामियों के चलते कानपुर डाकघर से अंतर्राष्ट्रीय माफिया छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी की फोटो वाली डाक टिकट जारी कर दी गई। इतनी बड़ी चूक पर अब डाकघर के अधिकारी जाँच करवाने की बात कह रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मेरे पास जानकारी आई कि कोई माफिया लोगों के डाक टिकट माई स्टैम्प इशू हुए हैं प्रधान कानपुर प्रधान डाकघर से। आज मैंने जब पूरी न्यूज़ पढ़ी तो पता लगा कि कोई मीडिया के ही संवाददाता हैं जो कि आए, उन्होंने अपना परिचय पत्र दिखाया और उससे उन्होंने दो ये कह के कि मेरे परिचित हैं, दो लोगों का डाक टिकट जारी कराया और एक फॉर्म उन्होंने भर के भी डाकघर में जमा किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हमने दो डाक टिकट बनवाए, शायद उन्होंने एक्सेप्ट भी किया अपनी रिपोर्ट में। तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे कर्मचारी द्वारा इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया कि इसका डाक टिकट बना रहा है, तो इसलिए ये दो डाक टिकट जारी हुए हैं जैसा कि उन्होंने बताया।